चुनाव थाना क्षेत्र के भटेवरा गांव में जोगी बनकर भिक्षा मांगने आए युवक ने जब बुधराम की पत्नी से माताजी कहकर भीख मांगी तो उन्होंने उसे अपना 14 वर्ष की अवस्था में वर्ष 2011 से गायब हुआ रवि उर्फ अनु मानकर सीने से लगा लिया। पत्नी के दुलार को देख पिता बुधराम ने भी उसे अपना खोया हुआ बेटा माना। उसकी करतूत से अंततः पोल खुल गई। जिसे वह अपना बेटा मान रहे थे वह गोंडा का मुस्लिम राशिद निकला, जो अपने को मुक्त करने के नाम पर करीब 1.5 लाख की ठगी के साथ ही लाखों का सोना दूना करने के नाम पर ऐंठ चुका है, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस जांच में जुटी है। बताया जाता है कि बुधराम पुत्र नंदलाल सहसपुरा परसौदा का पुत्र अन्नु उर्फ रवि प्रकाश विश्वकर्मा 14 अप्रैल 2011 से घर के पास से अचानक गायब हो गया था। अपने बड़े बेटे के गायब होने के बाद उसकी काफी तलाश की गई पर पता नहीं चला। दंपत्ति की आंखों के आंसू भी वक्त के साथ सूख गए। जोगी के भेष में आए युवक के माताजी कहने पर उसे ही अपना खोया हुआ बेटा मान लिया, जिसे मुक्त कराने के लिए करीब 1.5 लाख रुपया वाराणसी पड़ाव में जाकर अदा किया। वह जोगी भी चोला उतार कर घर में रहने लगा। मुक्त होने के लिए बताया था कि मठ में भंडारा होगा, जिसका सामान 986 धोती, 986 निगोटी और व 5 टीन तेल और 21,000 नगद मठफल देना है, उसके बाद हमें छुटकारा मिलेगा। उसकी बात मानकर बुधराम ने 1,40,000 रुपए भंडारे के नाम पर 21 जुलाई को पड़ाव पर जाकर दिए। इस बीच रामनगर नानी के घर चला गया। मामी से 11 नग गहना दुगुना करके वह पूजा के नाम पर लाया, जिसे पोटली बनाकर रखने को दिया। उसे न खोलने की हिदायत भी दी, कहा कि 11 दिन बाद सोना दुगुना हो जाएगा। इसी तरह अपनी कथित माँ तथा गांव में भी कई लोगों का गहना सोना दुगुना बनाकर देने के लिए लिया। लोगों ने जब पोटली खोलकर देखा तो उसमें पत्थर थे। शक के आधार पर पिता और गांव वाले मिलकर उसका कपड़ा उतार कर चेक किए तो लिंग कटा हुआ था। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम राशिद बताया, जिसे चुनार पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर छानबीन कर रही है। मिर्जापुर से नितिन अवस्थी की रिपोर्ट। ना साहब, लड़का हमारे 2011 का गायब है। आई साधु का भेज बना के आयल बाजार में तो रूपरेखा बताओ लगल और कहता कि हम तोहरा लड़का आई। हम तो नहीं मानत रहे, लेकिन मोहल्ले बाजार वाले या गांव वाले सब जबरदस्ती कर दिए। अंतिम मजबूरन हमें माने के हो गए। अब ओकर नतीजा भाई कि साधु बनल कहला कि हम जो है अपन सारंगी और कपड़ा उतार देव, जब और भंडारा का हमें पैसा देवे कोई सामान का, तो सामान का पैसा पूछा लगे तो कुछ बताया था हमें 1.5 लाख रुपया, 1,46,000 रुपया हम ओके नगद दिए। नगद देने के बाद वो आयल जब घरे रह लगा तो लगल चोरी करे। अब चोरी जब करे लगा तो एक पुल खुल लगा। 1,46,000 रुपया कहा दिए हम? पड़ाव पर ले आकर के पहुँचाए हैं। पड़ाव किसके पास? पड़ाव पर वही का जो ना के साधु संघ वाले रहे, वही से पैसा लेके गए। उसके बाद क्या किए? ओकरे बाद जब घर पर आए तो वो लगा मोहल्ले में तंत्र मंत्र वाला काम करे, और जो ना के लगा सबका सोना का दूना बनावे लगा, सबका नौकरिया लगावे लगल। अब वहाँ पत्थर डाल दिया, सोना रख लिया अपने जेबा में चड्डी में, और जब पकड़ाए लगल तो चड्डी में से निकाल निकाल जब रखा लगा तब ऑटोमेटिक सब कुछ पकड़ ले। अपना नाम हमें मजबूरा हमें थाने पे लिया हुआ कबल। किस बिरादरी का है? हम लोग तो विश्वकर्मा है, वो तो मुसलमान है। जब हम लोग रास्ते में उसका चेक करने लगे तो मुसलमान निकला, जब सबके डायरे में आ गया। अभी कहाँ है वो? अभी तो थाने में। आप लोग पकड़ कर ला के दिए? हाँ, पकड़ कर ला करके हम उसी दिन दे दिए। पुलिस चेक करवाई कर रही है? हाँ, पुलिस कार्रवाई कर रही है अपनी जो। ओके।